नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल पे हम यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट भी कुछ यहाँ पे कराएंगे। तो आज करते हैं हम सबसे पहले कम्युनिकेशन यूनिट, जिसको संचार यूनिट भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा लेते हैं। संचार, संचार वर्ड इंग्लिश के कॉमन शब्द से मिलकर बना है, जिसकी उत्पत्ति इंग्लिश के कॉमन शब्द से मिलकर हुई है। और कॉमन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से हुई है। कम्युनिकेयर का अर्थ होता है एक समान संदेश का आदान प्रदान करना, यानी कि जिस हिसाब से सेंडर मैसेज को भेज रहा है उसी हिसाब से रिसीवर उसको प्राप्त करेगा, और जिस हिसाब से रिसीवर उसको प्राप्त करता उसी हिसाब से सेंडर मैसेज को भेजता है। यानी कि रिसीवर और सेंडर एक दूसरे को मैसेज भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कि एक समान संदेश का आदान प्रदान करना। अब चलते हैं संचार की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन और विशेषताएं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है कि जो संचार की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये जन्म से होता है, और विशेषताएं जो होती हैं पहचान से होती हैं। कैसे ये जन्म से कैसे होता है? मान के चलिए आप एक बिल्ली के बच्चे को शेर के बच्चों में रख दीजिए और उसकी परवरिश शेर के बच्चों की तरह कीजिए, तो क्या बिल्ली का बच्चा शेर का बच्चा बन जाएगा? नहीं, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसके सामने जब भी कोई चूहा आएगा तो वह उसको खाने के लिए झपटेगा और वहीं पर उसकी पोल पट्टी सारी खुल जाएगी। तो इसलिए संचार जो होता है, जो संचार की प्रकृति होती है वो जन्म से होती है। तो आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे मैं अब यहाँ पे YouTube पे कुछ बता रहा हूँ, तो मेरा मेन मकसद यही रहेगा कि जो मैं बताना चाहता हूँ आपके पास उसी तरह से वो पहुँचे। जिस चीज़ को मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो उसी रूप में आपके पास पहुँचे, यही मेरा प्रयास रहेगा और यही कम्युनिकेशन ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं हम दूसरा पॉइंट। इसमें संचार विज्ञान व कला दोनों हैं। अब विज्ञान कैसे है? विज्ञान एक क्रमबद्ध तरीके से होता है, तो संचार एक क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। क्रमबद्ध तरीके से कैसे? जैसे मैंने कॉमन शब्द का मतलब बताया था यहाँ पे, अगर मैं इस शब्द को दो तीन क्लासेस होने के बाद बताऊं तो क्या ये आपके समझ में अच्छी तरह से आएगा? ये अच्छी तरह से नहीं आएगा। इसको मैंने क्रमबद्ध तरीके से आपको बताया, सबसे पहले इसको, फिर उसके बाद संचार की प्रकृति, उसके बाद विशेषताएं। तो ये मैंने आपको एक क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे बताई हैं। उसी तरह से हमारा संचार भी एक क्रमबद्ध तरीके से होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान। उसके बाद कला भी है, संचार एक कला भी है। कला कैसे होती है? जैसे एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है, कलात्मक तरीके से पढ़ाता है। किताबों में एक जैसी बातें ही लिखी होती हैं, लेकिन उन बातों को पढ़ाने का तरीका हर एक टीचर का अलग अलग होता है, हर एक टीचर का अलग अलग कलात्मक तरीका होता है। तो क्योंकि वो किताबों में से नॉलेज को निकाल कर स्टूडेंट्स को एक कलात्मक तरीके के रूप में तरीके से बताता है, एक सलीके से बताता है। इसी तरह से हमारा कम्युनिकेशन भी एक सलीके से होना चाहिए, यानी कि कलात्मक होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं हम, कम्युनिकेशन एक मानवीय प्रक्रिया है। यह मानवीय प्रक्रिया है, सही कहा इन्होंने, क्योंकि ये मानव के बीच में ही कम्युनिकेशन हो सकता है, ज़्यादातर मानव के बीच में ही कम्युनिकेशन होता है। आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि कम्युनिकेशन एक मानवीय प्रक्रिया है, यह लोगों के बीच में ही होता है। उसके बाद चलते हैं, कम्युनिकेशन एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब ये सामाजिक प्रक्रिया कैसे है? मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे समाज में से कम्युनिकेशन को निकाल दिया जाए तो क्या हमारा जो समाज है वो समाज रह जाएगा? नहीं, शायद वो समाज नहीं रह जाएगा उस कंडीशन में। वो एक जंगल की तरह हो जाएगा जहाँ पे ना कोई कम्युनिकेशन होगा, ना कोई बात कहने वाला होगा, ना कोई बात सुनने वाला होगा। हमें समाज में रहने के लिए व्यापार करना पड़ता है, एक दूसरे से बातें करनी पड़ती हैं, उन सब को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। तो कम्युनिकेशन करना ही पड़ता है, और हमें अगर व्यापार करना है तो भी हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा,
हमें सामाजिक कोई भी काम करना है तो भी कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कम्युनिकेशन एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज से नहीं हटाई जा सकती। उसके बाद कम्युनिकेशन जन्मजात गुण भी है, जन्मजात गुण है। कैसे है जन्मजात गुण कम्युनिकेशन? जब एक बच्चा, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जब एक बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो वो छोटा ही होता है। जब उसको भूख लगती है तो वो रोने लगता है, और जैसे ही वो रोता है तो उसकी माँ उसे दूध पिलाने के लिए आती है। उन्हें माँ को पता लग जाता है कि ये भूखा है और उसको दूध पिलाना चाहिए। तो ये भी तो एक कम्युनिकेशन हुआ। तो क्या ये कम्युनिकेशन उस बच्चे को किसी ने सिखाया था? नहीं सिखाया था ये, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे ये एक जन्मजात प्रक्रिया है। उसके बाद चलते हैं सार्वभौमिक प्रक्रिया। अब ये सार्वभौमिक प्रक्रिया कैसे है? क्या कम्युनिकेशन पर एक विशेष जाति का अधिकार होना चाहिए या किसी विशेष ग्रुप के लोगों का अधिकार होना चाहिए? नहीं। क्या कम्युनिकेशन पर, क्या संचार पर किसी अमीर, कुछ अमीर लोगों का ही अधिकार होना चाहिए या फिर कुछ गरीब लोगों का ही अधिकार होना चाहिए? नहीं, यहाँ पे सभी लोगों का कम्युनिकेशन पर अधिकार होना चाहिए, इसलिए यह सार्वभौमिक प्रक्रिया कहलाई जाती है। अब चलते हैं विशेषता। इसका मतलब होता है पहचान। पहचान कैसे? जैसे कि कोई आदमी अगर खो जाता है तो उसका एक पोस्टर बनवाते हैं उसको सर्च करने के लिए, उसमें उसका फ़ोटो देते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई जैसे 5 फुट 4 इंच जो भी कुछ है, और बताते हैं कि उसके दाएं हाथ पे तिल है या उसकी उसका रंग गेहूं है, जो भी कुछ है उसकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे करते हैं। तो विशेषताओं को हम किससे नापते हैं, किससे आँकते हैं? पहचान से। तो इसमें क्या बताया गया? सबसे पहले संचार एक सतत प्रक्रिया है। जी बिल्कुल सही बात है, संचार एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूस प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि मान के चलो मैं आज ही संचार कर लूँ, कल ना करूँ, तो क्या बात बन जाएगी? क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आज ही संचार करूँ, आज ही आज कम्युनिकेशन करता हूँ, कल नहीं करूँगा या महीनों तक नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता। मुझे कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा, चाहे मैं घर में हूँ या घर से बाहर जाऊँ, मुझे हर हालात में कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। इसलिए कम्युनिकेशन एक सतत प्रक्रिया होती है। उसके बाद चलते हैं, कम्युनिकेशन एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। अब द्विमार्गीय प्रक्रिया क्या होती है? द्विमार्गीय प्रक्रिया ये होती है कि कम्युनिकेशन करने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, दो या दो से अधिक होने चाहिए, दोनों आदमी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी है, दूसरा कोई जानवर है, जंतु है या कोई भी, एनीवे दो लोग ही होने चाहिए, इसलिए द्विमार्गीय प्रक्रिया है। अब मैं इसी पे एक आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक शराबी होता है, वो शराब पीकर आता है, रास्ते में बैठ जाता है कुत्ते के पास, और कुत्ते से बातें करने लगता है, और कुत्ते से कहता है कि तेरा क्या हाल है, तू क्या कर रहा है, तूने खाना खाया या फिर तू खाएगा, या तू अपने लाइफ में क्या करेगा, क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। तो क्या आपको लगता है ये कम्युनिकेशन हो रहा था उनका? नहीं हो रहा था। कुत्ता सिर्फ उसके मुंह की तरफ देखता और बैठा रहता, यहाँ पे उनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए उसको एक और आदमी की ज़रूरत थी, वो वहाँ पे था नहीं, वहाँ पे कुत्ता था, तो वहाँ पे उसका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे कि कम्युनिकेशन एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। अब आगे चलते हैं, संचार अर्थ संचारित करने का माध्यम है। संचार अर्थ संचारित करने का माध्यम है। कैसे है ये अर्थ को संचारित करता है, कैसे करता है? जैसे मैंने एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिखा, रोको मत जाने दो, यानी कि किसी ने कहा कि उस आदमी को रोको मत, उसको जाने दो। अब मैं इसमें यहाँ पे एक कोमा विराम लगा देता हूँ, अब क्या बन गया ये, रोको मत जाने दो, यानी कि उस आदमी को रोक लो भाई, उसको जाने मत दो। तो वर्ड एक ही है, लाइन एक ही है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे चेंज हो गया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी संचार एक अर्थ संचारित करने का माध्यम है। आगे चलते हैं, एक प्रबंधकीय कार्य है। जो संचार होता है वो एक प्रबंधकीय कार्य है। प्रबंधकीय कार्य क्या होता है? मैनेजमेंट का कार्य होता है एक तरह से। कैसे? जैसे हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, वहाँ पे तो चलो इतना मैनेजमेंट नहीं होता कम्युनिकेशन का, मोस्टली कोई कोई कर भी लेता है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे लोग अच्छी तरह से बातें भी नहीं करते। लेकिन अगर आप प्राइवेट मॉल में जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, बहुत बड़े मॉल में जाएं, तो वहाँ पे आपसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से करा जाएगा,
बहुत अच्छे तरीके से आपसे कम्युनिकेशन करा जाएगा। तो संचार एक प्रबंधकीय है, एक मैनेजमेंटीय कार्य है, मैनेजमेंट का तंत्र है। उसके बाद चलते हैं, कम्युनिकेशन के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि ये तो आप भी जानते हो, जैसे फ़ोन से भी हम किसी से बातें करते हैं तो वो भी कम्युनिकेशन का माध्यम है। मेल, हम किसी को मेल लिखते हैं। वीडियो, जैसे कि मैं अब यहाँ पे आपको टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूँ वीडियो के ज़रिए, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। लेटर, पुराने ज़माने में लेटर, चिट्ठी, पत्र लिखा करते थे और हालचाल एक दूसरे का पूछा करते थे, तो ये यहाँ पे इसके विभिन्न प्रकार हैं। तो दोस्तों, आप पढ़ते रहिए और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, जिससे कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और जो टॉपिक क्वेश्चंस के अराउंडिंग हैं, मैं उनको ही ज़्यादातर आपको कराऊंगा। आप अच्छे से करिए, ध्यान लगाकर पढ़िए। मैं डेली एक या दो लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँगा, आप उनको अच्छी तरह से पढ़िए। धन्यवाद।